चला दूं जी। हाँ यहीं से लाइट चला दूं। ठीक है लाइट चला ना। नमस्कार जैन साथियों, मैं एडवोकेट अम्बेडकर और आज आप यहाँ पर जंतर मंतर पर जो पूरे हिंदुस्तान के पीड़ित निवेशक हैं सभी कंपनियों के, जिसमें PSEL इंडिया लिमिटेड, सहारा, बाइको, राधा मादा, ग्रीन टच और लगभग 8 साल से अपने हक की लड़ाई के लिए पुनः पुनः इस जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए आते हैं। हमारी आवाज़ LIU के द्वारा, केंद्र सरकार की गोपनीय संस्थाओं के द्वारा लगातार सचिवालय तक पहुंचती है। हमारे सरदार महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी लगातार 2015, 16, 17, 18, 19 लगातार यहां पर एक एक महीने की भूख हड़ताल की हम लोगों ने। लेकिन साथियों, इन केंद्र की सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी टीम पर, गृह मंत्री अमित शाह पर आखिर इनके कानों पर झूठ क्यों नहीं रहे? इसका क्या कारण है कि हम बार बार धरना देते आते हैं और जब जब चुनाव आते हैं, जब 2019 का चुनाव आया तो इन्होंने PSEL वालों को, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज यहाँ कितने संख्या में लोग बैठे हुए, देखिए यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंच के पीछे खड़ा हुआ हूँ मैं और यहाँ समर्थन देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये हमारे वो साथी हैं, क्रांतिकारी साथी, जो अपना घरवार छोड़कर जिन्होंने मेहनत की और इनकी मेहनत की जो पूंजी है, कमाई है, वो केंद्र सरकार ने अपनी संस्थाओं के द्वारा, सेबी के द्वारा, लोढ़ा कमेटी के द्वारा और न जाने कितने लिक्विडेटर कमेटियाँ दबा बनाकर दबा रखी है। आप सोचिए इनका क्या कसूर है, आखिर इनका पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने PSEL का सेवी रिफंड पर पोर्टल बनाया, लगभग उस पोर्टल को बनाया 2016 से बनाया आपने, 2019 में आपने चुनाव से पहले सभी के आवेदन लिए, अभी तक सभी को पैसा नहीं। अभी आपने सहारा का पोर्टल बनाकर इन सहारा वालों को बेवकूफ बनाने का काम किया। मैं आप सभी से, जो भी मेरे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उन सबसे कहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत आवाज नहीं है, मेरा अकेले का पैसा नहीं है, ना मैंने अकेले काम किया, इसमें 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और लगभग मैं बात करूं तो 25 से 30 लाख करोड़ रुपया इस हिंदुस्तान में है जो इन लोगों का है, इन गरीबों का है और ये मिलना चाहिए। जितने भी मेरे राजनीतिक दलों में लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, वो एक बार इस वीडियो को, इस जंतर मंतर की वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें कि आखिर गरीब कब तक यह जंतर मंतर पर आकर यूँ धरना देते रहेंगे, यूँ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है और मैं अपने केंद्र सरकार से भी बार बार भीख मांग रहा हूँ कि इन लोगों का पैसा दे दीजिए। ये वो आम आदमी की आवाज़ है, आम जनता की, जो अगर एक बार बिखर गई तो अच्छे अच्छे सत्ता दलों को उखाड़ फेंकती है। इस वीडियो को हमें 1 लाख लोगों तक शेयर करना है और ये हमें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, कम से कम जितना अधिक से अधिक हो सके, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, जितना हो सकता है, क्योंकि आप सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, या जितने भी मेरे साथी बैठे हुए हैं उन सबकी लड़ाई है। और सभी राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जो इस मुद्दे को उठाएगा, जो इस मुद्दे की पैरवी करेगा चिटफंड की, जनता उसका साथ देगी, उसको वोट देगी और वो सत्ता में आएगा। आपने देखा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इस मुद्दे को उठाया, आज क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, कितना काम हो रहा है कितना नहीं, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बनाया। आज भगवंत मान जी की सरकार है। मैं सभी राजनीतिक दलों के लोगों से कहता हूँ कि ये हमारा मुद्दा है, इसको जीवंत कीजिए, इन लोगों के पैसे लगाने के लिए लड़िए। साथियों, जंतर मंतर पर आखिर हम कब तक आते रहेंगे? और ये अंतिम धरना नहीं, ये अंतिम लड़ाई नहीं है हमारी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें और इस लड़ाई को एक आवाज़ दें जो हमारे साथी भूखे प्यासे गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं। मैं एडवोकेट अम्बेडकर अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय जय भारत।